हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी एग्जाम की। आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिसे हम एमएसएमई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एमएसएमई एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे और इन सब में तीनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि क्या फायदे हैं अगर आप खुद को एज ए एमएसएमई या फिर एक उद्योग आधार अगर आप खुद को रजिस्टर करते हो तो, ठीक है ना। तो तीनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि माइक्रो किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे और मीडियम किसे कहेंगे। तो जब भी सपोज आपको प्लांट लगाना है, मशीनरी लगाना है ना, लैंड का जो खर्चा होता है, बिल्डिंग का जो खर्चा होता है, उसको छोड़ करके अगर आपको प्लांट लगाना है या फिर मशीनरी लगाना है, तो उसमें अगर आपका 25 लाख रुपए तक का खर्चा हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रो कहेंगे, है ना। 25 लाख से लेकिन अगर 5 करोड़ तक का आपका खर्चा होगा तो उसे हम कहेंगे स्मॉल, और अगर 5 करोड़ से 10 लाख करोड़ तक का खर्चा होगा तो हम उसे कहेंगे मीडियम, है ना। अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में है एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, तो उस केस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक का है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो, 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक का है तो उसे कहेंगे स्मॉल, और 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक का है तो उसे हम कहेंगे मीडियम, है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर एंटरप्राइज एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग सर्विसेज लोन्स अप टू 1 करोड़। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है, पहले तो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। अब सपोज आपने इक्विपमेंट खरीदी, है ना, इक्विपमेंट बिजनेस करने के लिए आपको इक्विपमेंट खरीदना होगा जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें होंगी आपके प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, राइट। तो अगर आपको उस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आपका 10 लाख रुपए से कम है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो, 10 लाख रुपए से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है तो उसे हम कहेंगे स्मॉल, और मीडियम के केस में 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का अगर आपका होगा तो हम उसे कहेंगे मीडियम, है ना। तो तीनों के बीच में जो अंतर है उसको डिफाइन करने के लिए दो बेसिस चुने गए हैं, एक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, है ना, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा अगर आपका होगा, 25 लाख से कम होना चाहिए तो हम उसे माइक्रो कहेंगे, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का अगर आपका होगा तो उसे स्मॉल कहेंगे, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का होगा तो उसे मीडियम कहेंगे। वेयर एज अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, ये देखो अभी जो मैंने बताया था वो प्लांट एंड मशीनरी था, अगर इक्विपमेंट की बात करें एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो 10 लाख रुपए तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे माइक्रो कहेंगे, 10 लाख से रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक का अगर आपका होता है तो उसे स्मॉल कहेंगे, और 2 करोड़ से अगर 5 करोड़ तक का होता है तो हम उसे मीडियम कहेंगे, ठीक ना। गिवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लेटेस्ट मेक इन इंडिया पुश अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट जंप इन द एफडीआई फ्लोस, द इंडियन एमएसएमई सेक्टर इज पॉइज्ड फॉर रैपिड ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन विद मेजर ग्लोबल वैल्यू चेन्स, है ना। तो जिस तरीके से आपको पता है कि मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया था, उसके कारण से एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनाए जा रहे हैं, एक तरह से उसको पुश मिल रहा है, माफी चाहूंगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि बहुत से ज्यादा जो है एमएसएमई जो है वो बन रहे हैं, मीडियम सेक्टर, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार हो रहे हैं। तो क्या फायदे हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई और उद्योग आधार। अगर आप इन दोनों के बेसिस पे अगर आप खुद को रजिस्टर करवाते हो अपने बिजनेस को तो आपको क्या फायदा मिलेगा। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स वेरियस कंसेशंस एंड एक्सटेंड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सक्लूसिवली टू द यूनिट्स और एंटरप्राइजेस व्हिच क्वालिफाइड टू बी अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। तो एक तरीके से ग्रोथ जो एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ है उसको, ग्रोथ को एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशंस अनाउंस करे हैं, बहुत सारे यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, एंटरप्राइजेस को, लेकिन उन सारे यूनिट्स के पास एक ही क्राइटेरिया है कि उनको एज ए माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम प्राइस होने के, एंटरप्राइज होने के लिए उनको जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वो उनको क्वालिफाई करना होगा। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको जो भी डिफरेंट जो वेरियस कंसेशंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। अंडर एमएसएमई ऑल काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई के अंदर में किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रजिस्ट्रेशन जो है करवा लिया जाता है। लाइक मैन्युफैक्चरर्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है वो भी खुद को एज ए एमएसएमई यू नो रजिस्टर कर सकती है,
द सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एमएसएमई बेनिफिट्स। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ऐसी कंपनी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी खुद को एमएसएमई में यू नो रजिस्टर करवा सकती हैं। हेंस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अब इनके इसके कारण से, चूंकि वो एमएसएमई में खुद को रजिस्टर करवा रही है, उनको उद्योग आधार में भी खुद को रजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज नॉट स्टैट्यूटरी। जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, मतलब लीगल तौर पे आपको करना ही होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाउएवर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया इट हैज बीन वेरी कंसेप्चुलाइज्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स टू ऑल द टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज। पर अगर आप करते हो, है ना, तो आपको जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगी इंडिया में, है ना। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एनी एंटरप्राइज बिकम्स क्वालिफाइड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफर अंडर एमएसएमई डी एक्ट, है ना। तो जब आप खुद को एज ए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन खुद को अगर जब आप रजिस्टर करवाते हो, हालांकि ये करवाना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लीगल नहीं है, करवाना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको करना ही होगा, पर अगर आप करवाते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है मैं एक ही करके आपको बता देता हूँ, बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी, आप जो एमएसएमई के तहत जो बिजनेस स्टार्ट करोगे, हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो सकता है कि गवर्नमेंट ही आपसे खरीद ले, है ना, तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, करंट अकाउंट में ऐसा पॉसिबल है, तो उसमें जो ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही कम है, लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसके कंजम्पशन के भी आपको एक तरीके से कंसेशन मिलेगा, छूट आपको मिलेगी। रिबेट इन टैक्सेस, आपको टैक्स पे करने में भी बहुत ज्यादा छूट मिलेगी एमएसएमई डी एक्ट 2006 के अनुसार। 50% डिस्काउंट ऑन आईपी प्रोटेक्शन, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर अगर आप यू नो अप्लाई करते हो तो आपको 50% का वहां पर डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने खुद को ऐसे एमएसएमई रजिस्टर करवा करके रखा हुआ है तो, है ना। एमएसएमई कॉन्सिलिएशन सेंटर, और एक एमएसएमई कॉन्सिलिएशन सेंटर भी आपको बना करके दिया जाएगा ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ, सारी की सारी चीजों को, है ना। बैंकिंग लॉज, एक्साइज लॉज एंड डायरेक्ट लॉज हैव इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड एमएसएमई इन देयर एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस, है ना। तो जितने भी सारे जो खर्चे हैं, बैंकिंग लॉज है, एक्साइज लॉ है, डायरेक्ट टैक्सेस लॉ है, उन सब में एमएसएमई का एक तरीके से एग्जम्पशन मिला हुआ, वहां पे बहुत सारी चीजें एमएसएमई को लेकर के है नहीं, है ना, मतलब उनके ऊपर टैक्सेस का ज्यादा होना या लॉ का ज्यादा होना, वो सारी चीजें अभी नहीं की गई हैं, क्योंकि छोटी है, प्रमोशन करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही इजी टू यूज रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करके अपने अपने एमएसएमई को रजिस्टर करवा सके। Therefore, the registration certificate issued by the registering authority is seen as a proof of being MSME and is required to avail the benefits of sanctioned MSMEs. है ना? तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो उसके अंतर्गत जो भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे आप जो बेनिफिट्स हैं MSMED के हिसाब से वो सारी की सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जहाँ पे मैंने तीनों के बीच में डिफरेंस जो कि बहुत ही छोटा सा था और बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने बिजनेस को एमएसएमई के तहत रजिस्टर करवाते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।